टाइम कट 2024 की अमेरिकी साइंस फिक्शन स्लेशर फिल्म है जिसका निर्देशन हन्ना मैकफर्सन ने किया है जिन्होंने माइकल कैनेडी के साथ मिलकर पटकथा लिखी है इसमें मेडिसन बेली एंटोनिया जेंट्री और ग्रिफिन ग्लक ने अभिनय किया है कथानक लूसी नामक लड़की पर आधारित है जो गलती से अतीत में 2003 में पहुंच जाती है और अपनी बड़ी बहन को एक नकाबपोश हत्यारे से बचाने का प्रयास करती है यह फिल्म नेटफ्लिक्स द्वारा 30 अक्टूबर 2024 को रिलीज की जाएगी कथानक 18 अप्रैल 2003 को हाई स्कूल की सीनियर फील्ड बिना किसी उत्साह के सीनियर क्लास के जश्न स्प्रिंगफ्लिंग में शामिल होती है क्योंकि उसके करीबी दोस्त एमी ब्रायन और वैल की हाल ही में सीरियल किलर द स्वीटली स्लेशर द्वारा हत्या कर दी गई उसका आजीवन दोस्त क्विन उसे एक लिफाफ़ा देने की कोशिश करता है लेकिन समर उसे टाल देती है और जब उसका हालिया पूर्व प्रेमी एथन उसे नाचने के लिए कहता है तो भी समर ऐसा ही करती है समर पीछे के बाथरूम में है पुलिस पार्टी बंद कर रही है और सभी लोग सामने से भाग रहे हैं। एक नकाब पोष व्यक्ति चाकू लेकर उस पर झपटता है इसलिए वह वापस खलिहान की ओर भागती है जहां वह उसे नीचे ले जाता है बीस साल बाद हाई स्कूल की छात्रा और शौकिया आविष्कारक लूसी फील खुद को काफी हद तक अदृश्य महसूस करती है क्योंकि शहर और उसके माता पिता समर की मौत की तारीख पर अड़े हुए हैं। शहर हत्याओं से टूट चुका है डाउनटाउन जीर्ण शीर्ण हो चुका है लोग अनसुलझे हत्याओं के बारे में बात करना जारी रखते हैं और लूसी अपने माता पिता के साथ खलिहान के सामने पीड़ितों के छोटे से मंदिर में जाती है पास के घास के खलिहान से एक रोशनी चमकती हुई देखकर लूसी को गलती से एक टाइम मशीन मिल जाती है और वह 2003 में वापस चली जाती है एक साल और दो दिन पहले जब उसकी बहन समर की स्लेशर द्वारा हत्या कर दी गई स्वीटली की हालत देखकर वह परेशान हो जाती है वह अपने गुरु विज्ञान शिक्षक मिस्टर फ्लेमिंग से सलाह लेने के लिए हाई स्कूल जाती है क्विन उसे समय यात्रा के बारे में पूछते हुए सुनती है और जोर देकर कहती है कि ऐसा करना बहुत गैर जिम्मेदाराना है कुछ ही देर बाद जब क्विन को छात्रों की भीड़ ने इस साल सीनियर प्रैंक का शिकार बना लिया तो लूसी ने हस्तक्षेप किया उसने समूह को रोक दिया और एथन को उसकी पीठ पर लाद दिया पहले तो क्विन नाराज़ हुआ लेकिन जल्द ही उसने उसे बताया कि वह गलती से टाइम मशीन के ज़रिए आ गई थी यह जानते हुए कि वह भौतिकी में अच्छा है लूसी ने उसे ईंधन भरने में मदद करने के लिए कहा जब क्विन को मॉल में काम के लिए जाना होता है तो लूसी उसके घर तक लिफ़्ट मांगती है जिससे वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसे इस संबंध का एहसास नहीं था उसे समर की केमिस्ट्री के होमवर्क में मदद करने के बहाने घर में बुलाया जाता है घर और उसके माता पिता बहुत अलग है यह गंदा है उसके माता पिता आराम से रहते हैं और समर और उसकी माँ रोजाना साथ मिलकर खाना बनाती है बाद में स्लेशर वैल और ब्रायन की हत्या कर देता है लेकिन लूसी के हस्तक्षेप करने के प्रयास के परिणामस्वरूप एक सुरक्षा गार्ड की हत्या हो जाती है जिसकी पहले मृत्यु नहीं हुई समर को आख़िरकार सच्चाई का पता चलता है और वह एमी को स्लैशर से बचाने के लिए लूसी और क्विन के साथ मिलकर काम करती है उसी समय लूसी को पता चलता है कि क्विन समर से प्यार करता है वह पत्र जो उसने उसे देने की कोशिश की थी वह इस बात का कबूलनामा था जब लूसी और क्विन टाइम मशीन के लिए ईंधन चुराते हैं तो समर डांस में भाग लेती है जहां वह सार्वजनिक रूप से एमी के लिए अपने प्यार को कबूल करती है स्लैशर समर पर हमला करता है लेकिन लूसी और क्विन उसकी जान बचा लेते हैं स्लैशर को एक वैकल्पिक समय रेखा से भविष्य का क्विन बताया गया है जो अस्वीकृति और बदमाशी से पागल हो गया था वह समर और उसके दोस्तों से बदला लेने के लिए समय में पीछे चला गया था अनजाने में लूसी का निर्माण कर दिया जिसके परिणामस्वरूप समर की हत्या ने उनके माता पिता के जीवन में एक खालीपन पैदा कर दिया था लूसी खुद को और भविष्य के क्विन को 2024 में वापस ले जाती है जहां वह उसे बिजली का झटका देती है और चाकू मारकर मार देती है यह पता चलने पर कि वह इस नई बेहतर समय रेखा में मौजूद नहीं है लूसी समर और क्विन के साथ अतीत में अपना जीवन जीने के लिए 2003 में लौटने का फैसला करती है नासा के साथ इंटर्नशिप प्राप्त करती है जो उसे अपनी मूल समय रेखा में मिली अपने व्यक्तिगत बयान में लूसी जीवन के प्रति पहले से कहीं अधिक आशावादी दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है ढालना मैडिसन बेली लूसी फील्ड के रूप में समर की छोटी बहन एंटोनिया जेंट्री समर फील्ड के रूप में लूसी की बड़ी बहन माइकल शैंक्स गिल फील्ड लूसी और समर के पिता ग्रिफिन ग्लक क्विन एक भौतिकी विशेषज्ञ और लूसी का सहायक मेगन बेस्ट एमी गोल्डन के रूप में समर की सबसे अच्छी दोस्त सैमुअल ब्राउन एथन के रूप में सिडनी सबिस्टन वॉन के रूप में काटेम ओकोनर ब्रायन पामर रेचेल क्रॉफोर्ड फील्ड लूसी और समर की मां उत्पादन मई 2021 में यह घोषणा की गई थी कि माइकल कैनेडी और सोनू पटेल द्वारा लिखित एक स्क्रिप्ट को हन्ना मैकफर्सन द्वारा निर्देशित किया जाएगा ए मैडिसन बेली और एंटोनिया जेंट्री फिल्म में अभिनय करने वाले पहले कलाकार थे तीन 2024 की रिलीज की घोषणा होने पर अतिरिक्त कलाकारों का खुलासा किया गया। चार फिल्मांकन 21 जून से 28 जुलाई 2021 के बीच विनिपेग मैनिटोबा कनाडा में होना था पांच मुख्य फोटोग्राफी अंत 6 जुलाई को शुरू हुई और अगस्त में समाप्त हुई सिनेमेटोग्राफी का काम टोनी मिर्जा और हैलिना हचिंस द्वारा किया गया इससे पहले कि हचिंस अपनी अंतिम फिल्म रस्ट पर काम करती सात आठ नौ टाइम कट के उत्पादन में अनलोडेड बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था फिर भी आग्नेयास्त्र सुरक्षा कर्मियों ने पूरे कलाकारों और चालक दल को जागरूक करने के लिए मानक सुरक्षा सावधानियों का पालन किया आठ मुक्त करना टाइम कट तीस अक्टूबर 2024 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गए दस स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 20 आलोचकों की 20 परसेंट समीक्षाएं सकारात्मक है जिनकी औसत रेटिंग चार बटा दस है 11 मेटा क्रिटिक जो एक भारत औसत का उपयोग करता है ने आठ आलोचकों के आधार पर फिल्म को एक सौ में से सैंतीस का स्कोर दिया जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है बारह नोट्स राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा अंतिम क्रेडिट में सोनू पटेल को अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री ऑन स्क्रीन नहीं दी गई है साथ ही जेटी बिलिंग्स और इयान शोर को भी दो क्रिस्टोफर ब्यू लैंडन जन्म सत्ताईस फरवरी उन्नीस एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक निर्माता और पटकथा लेखक है जो हॉरर और कॉमेडी हॉरर शैलियों में काम करने के लिए जाने जाते हैं उन्होंने थ्रिलर डिस्टर्बिया और पैरानॉर्मल एक्टिविटी फाउंड फुटेज हॉरर सीरीज की अधिकांश फिल्मों पर पटकथा लेखक के रूप में काम किया है उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी द मार्क टोन्स के साथ साथ हॉरर कॉमेडी फिल्में हैप्पी डेथ डे दे, स्काउट्स गाइड टू द जोम्बी एपोकैलिप्स हैप्पी डेथ डे दे दो यू फ्रीकी और वी हैव ए गोस्ट लिखी और निर्देशित की उन्होंने व्यंग्यात्मक थ्रिलर फिल्म बर्निंग पाम्स दो लिखी और उसका निर्देशन किया प्रारंभिक जीवन लैंडन का जन्म लॉस एंजल्स में हुआ था और वह अभिनेता माइकल लैंडन और लिन्नो के बेटे हैं। वह अपनी शादी से पैदा हुए चार बच्चों में सबसे छोटे हैं। उनके माता पिता का तलाक 1980 में हुआ था जब वह चार साल के थे वह 16 साल की उम्र तक अपने पिता के साथ रहे जब उनके पिता की अग्नाशय के कैंसर से मृत्यु हो गय एक उनके भाइयों में से एक माइकल लैंडन जूनियर एक अभिनेता है और उनकी सौतेली बहनों में से एक जेनिफर लैंडन एक अभिनेत्री है उनके दादा यहूदी थे दो जबकि उनकी दादी कैथोलिक थी हालांकि उनके पिता का पालन पोषण यहूदी हुआ था तीन आजीविका लैंडन ने फिल्म निर्माण में अपने पिता माइकल लैंडन के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए लोयोला मेरी माउंट विश्वविद्यालय में पटकथा लेखन का अध्ययन किया लेकिन जब फिल्म निर्देशक लैरी क्लार्क ने उनकी एक पटकथा पढ़ने के बाद उन्हें लेखन की नौकरी की पेशकश की तो उन्होंने अपना करियर बनाने के लिए पाठ्यक्रम के तीन साल बाद पढ़ाई छोड़ दी एक उन्होंने एडी लिटिल और स्टीफन चिन के साथ मिलकर एन्दर डे इन पैराडाइज की पटकथा लिखी एन्दर डे इन पैराडाइज लिखने के बाद उन्होंने ख़ुद को समलैंगिक बताया उन्हें पता था कि होमोफ़ोबिया ने उद्योग में उनकी क्षमता को नुकसान पहुंचाया होगा हॉलीवुड और फिल्म उद्योग में होमोफोबिया के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा मैं अपनी कामुकता के कारण किसी सूची से बाहर हो सकता हूं लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं वास्तव में उस सूची में नहीं रहना चाहता एक मैं महीने का स्वाद था और फिर मुझे जल्दी से निकाल दिया गया मैं अपने करियर में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जब मुझे कहीं भी मीटिंग नहीं मिल सकती थी चार वे अपने करियर के भविष्य पर विचार करते हुए लॉस एंजल से ऑस्टिन टेक्सास चले गए जिसे उन्होंने कुछ साल बाद ही पुनर्जीवित किया पांच चार लैंडन की अधिकांश फिल्में समलैंगिक विषयों और मुद्दों से निपटती है उद्धरण वांछित जिसमें तीस डॉलर भी शामिल है जो बॉयज लाइफ तीन के पांच घटकों में से एक है समलैंगिकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों से निपटने वाली लघु फिल्मों का एक संग्रह और एक सीधे आदमी और एक समलैंगिक आदमी के बीच के रिश्ते के बारे में एक स्पेक स्क्रिप्ट है एक हाल ही में उन्होंने 2007 की फिल्मों ब्लड इन चॉकलेट द फ्लॉक छ और प्रशंसित डिस्टर्बिया की पटकथाएं लिखी है डिस्टर्बिया उनकी एक स्पेक स्क्रिप्ट थी जिसे मोन्टेसिटो पिक्चर्स और बाद में ड्रीम पिक्चर्स के पास लाया गया था और इसके रिलीज होने पर सिनेमाग्रो में नंबर एक गए चार छ इसके बाद उन्होंने ड्रीम की फिल्म द लेसन उद्धरण वांछित और 2007 की टेलीविजन श्रृंखला डर्टी सेक्सी मनी पर काम किया पांच चार उन्होंने लिसा मैकमैन के युवा वयस्क उपन्यास वे के फिल्म रूपांतरण के लिए पटकथा पर काम किया है उद्धरण वांछित लैंडन ने बर्निंग पाम्स के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की जो एक हास्य थ्रिलर थी जिसे खराब तरीके से प्राप्त किया गया था साथ लैंडन पैरानॉर्मल एक्टिविटी फिल्म सीरीज के पीछे एक रचनात्मक आवाज बन गए उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी दो पैरानॉर्मल एक्टिविटी तीन पैरानॉर्मल एक्टिविटी चार और पैरानॉर्मल एक्टिविटी नेक्स्ट ऑफ किन लिखी लैंडन ने स्पिन स्पिनऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी द मार्क्ड ओन्स का निर्देशन और लेखन भी किया जिसे 2014 में रिलीज किया गया था आठ लैंडन की अगली फिल्म स्काउट्स गाइड टू द जोम्बी एपोकैलिप्स थी नौ इसके बाद उन्होंने हैप्पी डेथ डे दे और हैप्पी डेथ डे दे दो यू लिखी और निर्देशित की अगस्त 2023 में लैंडन को स्क्रीम सात का निर्देशन करने की घोषणा की गई जो स्क्रीम फ्रैचाइजी की सातवीं किस्त है दस लैंडन ने तेईस दिसंबर दो को घोषणा की कि वह अब सीक्वल से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि अब यह घोषणा करने का सबसे अच्छा समय है कि मैं औपचारिक रूप से सात सप्ताह पहले स्क्रीम से बाहर निकल गया हूं यह एक सपनों का काम था जो एक दुस्वप्न में बदल गए और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए मेरा दिल टूट गए सभी के लिए लेकिन अब आगे बढ़ने का समय आ गया है ग्यारह बारह व्यक्तिगत जीवन लैंडन ने उन्नीस में समलैंगिक होने की बात स्वीकार की थी उन्होंने सिर्फ़ अदर डे इन पैराडाइज की पटकथा लिखी थी उन्हें इस बात का डर नहीं था कि उनकी कामुकता उनके करियर की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है एक उनका कहना है कि बड़े होने पर उन्हें उनके हाई स्कूल के साथियों द्वारा फेगोट कहा जाता था एक उनकी माँ जो एक ईसाई थीं ने उनकी कामुकता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया एक उनकी सौतेली मां सिंडिक्लेरिको जो उनके पिता की अगली पत्नी थीं ने उन्हें बताया कि उन्हें और उनके पिता दोनों को संदेह था कि वह समलैंगिक है एक फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता नोट्स उन्नीस स्वर्ग में एक और दिन नहीं हाँ नहीं दो हज़ार लड़कों का जीवन तीन नहीं हा हा खंड तीस डॉलर दो हज़ार सात रक्त और चॉकलेट नहीं हाँ नहीं डिस्टर्बिया नहीं हाँ नहीं दो हज़ार सात से दो हज़ार नौ गंदे सेक्सी पैसे नहीं हाँ सलाहकार टेलीविज़न सीरीज लेखक दो एपिसोड दो हज़ार दस जलती हथेलिया हा हाहा हाँ हा निर्देशन की शुरुआत पैरानॉर्मल एक्टिविटी दो नहीं हाँ नहीं दो हज़ार ग्यारह पैरानॉर्मल एक्टिविटी तीन नहीं हां सहनिर्माता दो हज़ार बारह पैरानॉर्मल एक्टिविटी चार नहीं हां कार्यकारिणी दो हज़ार चौदह पैरानॉर्मल एक्टिविटी द मार्क्ड वंस हां नहीं दो हज़ार पंद्रह स्काउट्स गाइड टू द जॉम्बी एपोकैलिप्स हा हा, नही. 2015, हा, हा नही. 2016, नहीं दो हज़ार सोलह वायरल नहीं हां नहीं दो हज़ार सत्रह मृत्यु दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हाँ अमान्य नहीं 2019 मृत्यु दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हाँ हाँ नहीं 2020 फ्री की हाँ हाँ नहीं 2021 हजार इक्कीस पैरानॉर्मल एक्टिविटी नेक्स्ट ऑफ किन नहीं हाँ कार्यकारिणी 2022 मेरे सबसे अच्छे दोस्त का भूत भगाना नहीं नहीं हाँ 2023 हमारे पास एक भूत है हाँ हाँ कार्यकारिणी 2024 समय कटौती नहीं नहीं हाँ 2025 हृदय आंखें नहीं हाँ हाँ तेरह चौदह हाँ नहीं नहीं पूरा होना मेडिसन लिली बेली जन्म उन्तीस जनवरी उन्नीस सौ निन्यानवे एक अमेरिकी अभिनेत्री गायिका और मॉडल है वह नेटफ्लिक्स टीन ड्रामा सीरीज आउटर बैंक्स दो शूने दो शूने वर्तमान में कियारा की कैरेरा का किरदार निभाती है एक आजीविका बेली मूल रूप से एक गायिका बनना चाहती थी लेकिन लोगों के सामने गाते समय मंच पर डर लगने के बाद 15 साल की उम्र में अभिनय और मॉडलिंग में बदल गए दो उन्होंने अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत 2015 में की उद्धरण वांछित टीवी सीरीज़ मिस्टर मर्सिडीज और कॉन्स्टेंटाइन में दिखाई दी 2018 में उन्हें वेंडी हर्नांडेज के रूप में लिया गया जो एक किशोर मेटाहुमन है जो हवा को नियंत्रित करने और हेरफेर करने की क्षमता रखता है सीड ब्लू साइंस फ़िक्शन टीवी सीरीज़ ब्लैक लाइटनिंग में एक भूमिका जो उसने दो सीजन के लिए निभा 2020 से उन्होंने नेटफ़्लिक्स मिस्ट्री ड्रामा आउटर बैंक्स में किया कि रा का किरदार निभाया है तीन व्यक्तिगत जीवन बेली का जन्म उत्तरी कैरोलिना के कर्नरस में हुआ था और उनका पालन पोषण कर्नरस में दत्तक माता पिता द्वारा किया गया था उसके छह बड़े भाई बहन हैं जिनमें से पांच को भी पालक देखभाल के माध्यम से गोद लिया गया था चार वह मिश्रित नस्ल और अश्वेत है और उसने मुख्य रूप से श्वेत परिवार और समुदाय में बड़े होने के बारे में खुलकर बात की है चार पाँच छ उसकी माँ की मृत्यु 2018 में हुई उसने और उसकी दो बहनों ने उसकी याद में एक टैटू बनवाया है सात चार आठ बेली ने कर्नर्स में ईस्ट फोर्सिथ स्कूल में पढ़ाई की नौ बेली को 18 साल की उम्र में बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पता चला था दस ग्यारह बेली 2017 में पैनसेक्सुअल के रूप में सामने आई हालांकि यह जानकारी 2020 में अधिक प्रसिद्ध हो गई जब उन्होंने बास्केटबॉल खिलाड़ी मारिया लिनेनी के साथ अपने संबंधों को सार्वजनिक किए चार छ बारह उन्हें अपना मेकअप खुद करने में मजा आता है और वे फेंटी ब्यूटी के विज्ञापन अभियानों में भी नजर आ चुकी है बारह तेरह फिल्मोग्राफी फिल्म भूमिकाएं, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स दो हजार अठारह बोतल गर्ल जैकी दो हज़ार बीस त्यागी हुई चीजें डेनिएला इम्पैक्टिकल जोकर्स द मूवी बॉलिंग एली गर्ल दो हजार इक्कीस एमिली दो हज़ार चौबीस पेंटर सोफिया समय कटौती लुसी फील्ड टेलीविजन भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2015 हज़ार कॉन्स्टेंटीन कैरोलीन एपिसोड वेटिंग फॉर द मैन दलदल हत्याएं मैरी होल्ड बियर एपिसोड मिसौरी नदी हत्या 2017 हज़ार सत्रह श्री मर्सिडीज क्लो एपिसोड गॉड्स हूं फॉल हत्या ने मुझे चुना एंजेला हेनरी एपिसोड डेडलीस्ट सिन दो हजार अठारह दो एपिसोड पायलट 2018 से 2019 हज़ार उन्नीस एक सुपरहीरो का नाम वेंडी हर्नांडेज छह एपिसोड 2019 हज़ार उन्नीस क्रीप शो कार्ला, एपिसोड ऑल हेलोज ईव द मैन इन द सूटकेस दो पिताओं की परिषद जूल्स तीन एपिसोड दो शू ने दो शू ने वर्तमान बाहरी बैंकियारा की कैरेरा मुख्य भूमिका तीस एपिसोड 2021 अमेरिकी डरावनी कहानियां केली एपिसोड ड्राइव इन टीबीए कॉन्स्टेस साशा टेलीविजन फिल्म एंटोनिया बोनिया जेंट्री जन्म 25 सितंबर उन्नीस सौ सत्तानवे तीन चार पाँच एक अमेरिकी अभिनेत्री है उन्हें नेटफ्लिक्स सीरीज गिन्नी इन जॉर्जिया दो शून्य दो एक वर्तमान में वर्जीनिया गिन्नी मिलर की भूमिका के लिए जाना जाता है प्रारंभिक जीवन और शिक्षा एंटोनिया जेंट्री का जन्म अटलांटा जॉर्जिया में हुआ था छ पांच उनकी मां जमैका से है और उनके पिता श्वेत है सात आठ जब वह पांच साल की थी तब से वह एक अभिनेत्री बनना चाहती थी पांच थिएटर में उनकी पहली भागीदारी उन नाटकों में अभिनय करना था जो उनकी मां ने उनके सामुदायिक थिएटर में लिखे थे उद्धरण की आवश्यकता उन्होंने जॉर्जिया के ऑगस्टा में जॉन एस डेविडसन फाइन आर्ट्स मैग्नेट स्कूल में थिएटर का अध्ययन किया नौ उन्होंने एमोरी विश्वविद्यालय में भी भाग लिया जहां उन्होंने नाटक का अध्ययन किया दस ग्यारह एमोरी में वह विश्वविद्यालय की कॉमेडी इम्प्रूव मंडली कॉमेडी इम्प्रूव ग्रुप की सदस्य थी आठ दो में स्नातक होने से पहले उन्होंने अंशकालिक नौकरी करने के अलावा एक पूर्णकालिक कॉलेज छात्र होने के साथ अभिनय भूमिकाओं को संतुलित किए ग्यारह आजीविका जेंट्री ने 2015 में दो शॉर्ट्स सहित कई छोटी भूमिकाओं में अभिनय किया है 2018 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फीचर फिल्म कैंडीजार में जैस्मीन की भूमिका निभाई और सुपरहीरो टेलीविजन श्रृंखला रेजिंग डायोन के एक एपिसोड में अभिनय किए उन्होंने उसी सप्ताह एमोरी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की जिसमें उन्हें गिन्नी और जॉर्जिया के लिए ऑडिशन मिला आठ उन्होंने भूमिका जीती और 2021 में श्रृंखला नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई पांच जेंट्री को 2024 की आने वाली कॉमेडी प्रोम डेट्स में भी एक प्रमुख भूमिका में दिखाया गया है व्यक्तिगत जीवन कॉलेज के अपने अंतिम वर्ष के दौरान जेंट्री ने बटरस्वर्थ नाम की एक बिल्ली को गोद लिया बारह कॉलेज के बाद जेंट्री न्यूयॉर्क शहर के विलियम्सबर्ग ब्रुकलिन में चली गई फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स दो हज़ार चौदह टेक्स्ट न भेजें और गाड़ी चलाते समय सावधान रहें किशोर चालक पीएसए दो हज़ार ड्राइवर एड सड़क से जुड़ी कहानियां सारा पीएसए दो हज़ार लोन वुल्फ मेसन मेडिसन छोटा दो हज़ार अठारह कैंडी जार जैसमीन स्पेंसर नेटफ्लिक्स फिल्म दो हज़ार उन्नीस डायोन का पालन पोषण वेंडी एक एपिसोड टीवी सीरीज दो शू ने दो एक वर्तमान गिन्नी और जॉर्जिया वर्जीनिया गिन्नी मिलर मुख्य भूमिका नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज 2024 हजार चौबीस प्रोम तिथिया हुलू फिल्म 2024 समय कटौती ग्रीष्मलुसी फील्ड नेटफ्लिक्स फिल्म पूरी हो गई उत्पादन नीचे गिरने का लाड टीबीए पतली परत फिन जेंडर ग्लक एक जन 24 अगस्त 2000 एक अमेरिकी अभिनेता है ग्लक ने अपने करियर की शुरुआत जस्ट गो विद इट 2011 और वाई हिम दो हजार सोल, जैसी कॉमेडी फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में की थी उन्होंने ड्रामा सीरीज रेड बैंड सोसाइटी 2014 से 2015 में एक कोमाटोज किशोर के रूप में अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई थी और नेटफ्लिक्स मॉक्यूमेंट्री सीरीज अमेरिकन वैंडल 2017 से 2018 में एक युवा फिल्म कौतुक की भूमिका निभाने और नेटफ्लिक्स हॉरर सीरीज लोके एंड की दो से दो में मुख्य प्रतिपक्षी गे बटा डॉज की भूमिका निभाने के लिए प्रशंसा प्राप्त की उन्होंने कॉमेडी फ़िल्मों बिग टाइम एडोलसेंस दो टॉल गर्ल दो और इसके दो सीक्वल प्रारंभिक जीवन ग्लक का जन्म लॉस एंजल्स में हुआ था उनके पिता सेलिन ग्लक जा एक फ़िल्म निर्देशक और निर्माता है और उनकी माँ करिन बेक एक प्रोडक्शन असिस्टेंट और लाइन प्रोड्यूसर थी ग्रिफिन के पिता का जन्म जापान के वाकायामा प्रांत में अमेरिकी माता पिता के यहां हुआ था और उनका पालन पोषण आंशिक रूप से कोबे जापान में हुआ था दो तीन चार पांच ग्रिफिन के दादा दादी सुमी हिरामोटो, एक जापानी अमेरिकी छ और जेग्लक एक यहूदी अमेरिकी पुरात्वविद इतिहासकार और जापानोफाइल्ट दो सात ग्लक ने पढ़ाई छोड़ने से पहले एक सेमेस्टर के लिए न्यूयॉर्क राज्य के बार्ड कॉलेज में पढ़ाई की जहां उन्होंने फिल्म और फोटोग्राफी का अध्ययन किया आठ नौ आजीविका इस अनुभाग को अपडेट करने की आवश्यकता है कृपया इस लेख को हाल की घटनाओं या नई उपलब्ध जानकारी को दर्शाने के लिए अपडेट करने में सहायता करें जुलाई 2024 ग्लक ने अभिनय की शुरुआत तब की जब वह अपनी बड़ी बहन कैरोलिंग के, के साथ पैलेसेज प्लेहाउस में गाइज एंड डॉल्स के ग्रीष्मकालीन बच्चों के शोकेस में गए थे दस उनकी पहली प्रमुख भूमिका एक लघु फिल्म टाइम आउट में तीन वर्षीय बच्चे के रूप में थी जिसे उनके पिता द्वारा सहनिर्मित और रॉबी चाफिच द्वारा निर्देशित किया गया था उनका बड़ा ब्रेक दो में आया जब उन्होंने फिल्म जस्ट गोविद इट में माइकल की भूमिका निभाई ग्यारह जिसके लिए उन्हें यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकन मिला बाद में उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस में मेसन वार्नर के रूप में लिया गया और फिर उन्हें शो में सीरीज के नियमित कलाकार के रूप में शामिल किया गए बारह श्रृंखला रद्द होने के बाद वह बीसवीं सेंचुरी फॉक्स टीवी के बैक द गेम नामक एक टीवी पायलट में शामिल हो गए तेरह इसे सीरीज के लिए चुना गया चौदह नवंबर 2013 में शो रद्द कर दिया गया था पन्द्रह 2014 में ग्लक ने फॉक्स सीरीज रेड बैंड सोसाइटी में चार्ली के रूप में सहभिनय किया जिसमें उनका चरित्र जो कोमा में है शो का कथावाचक है 16 मार्च 2015 में उन्हें एनबीसी पायलट कुकू में कास्ट किया गया जिसे सीरीज के लिए नहीं चुना गया था सत्रह ग्लक ने अपनी पहली फ़िल्म मुख्य भूमिका 2016 की फ़िल्म मिडिल स्कूल द वर्स्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ में राफे खाचदोरियन की भूमिका निभाते हुए निभाई थी जो जेम्स पैटर्सन के हिट उपन्यास पर आधारित थी फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2009 बगल में फार्मेसी लड़का 2011 बस इसके साथ चलते हैं माइकल मर्फी बटा बाट मैकाबी 2013 मुझ पर भरोसा करे फिलिप 2014 मेरे जाने से ठीक पहले रैंडी मॉर्गन 2015 बैटमैन बनाम रॉबिन युवा ब्रूस वेन आवाज की भूमिका 2015 लैरी गे विद्रोही पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट डॉनी 2015 हज़ार पंद्रह ऑल हैलोज ईव दो अधिकतम खंड एक लड़के का जीवन 2016 हज़ार मिडिल स्कूल मेरे जीवन के सबसे बुरे साल राफे खाच डोरियन दो हज़ार सोल क्यों उसे स्कॉटी फ्लेमिंग 2018 हज़ार अठारह द बॉक्सकार चिल्ड्रन सरप्राइज आइलैंड हेनरी आवाज की भूमिका 2019 बड़ा समय किशोरावस्था मोनरो मो हैरिस 2019 लंबी लड़की 18 19 जैक डंकलमैन 2020 अमेरिका में रात्रि भोज केविन 2021 उत्तर हॉलीवुड ड्रयू 2022 लंबी लड़की दो जैक डंकलमैन हजार चौबीस द रियल ब्रोस ऑफ सिमी वैली हाई स्कूल रियूनियन एरोन 2024 समय कटौती क्विन उन्नीसवीं सदी के अंत में इस क्षेत्र में रहने वाले प्रथम राष्ट्रों के प्रमुखों के साथ क्रमांकित संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे उन्होंने प्रत्येक परिवार के लिए भूमि के विशिष्ट वादे किए परिणामस्वरूप संघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में एक आरक्षित प्रणाली स्थापित की गई पच्चीस मूल निवासियों को वादा की गई भूमि की निर्धारित मात्रा हमेशा नहीं दी गई इसने स्वदेशी समूहों को भूमि दावों के माध्यम से भूमि पर अधिकार जताने के लिए प्रेरित किया जिनमें से कई अभी भी चल रहे हैं छब्बीस मैनिटोबा का मूल प्रांत अपने वर्तमान आकार का अठारहवां हिस्सा था और बोलचाल की भाषा में डाक टिकट प्रांत के रूप में जाना जाता था सत्ताईस एक हज़ार आठ सौ इक्यासी में इसकी सीमाओं का विस्तार किया गया था जिसमें उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों और कीवाटिन जिले से भूमि ली गई थी लेकिन ओंटारियो ने भूमि के एक बड़े हिस्से का दावा किया विवादित भाग एक में ओंटारियो को दिया गया था उन्नीस में मैनिटोबा अपने वर्तमान आकार में बर गया उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से भूमि को अवशोषित करके 60 डिग्री एन तक पहुंच गया जो इसके पश्चिमी पड़ोसियों सस्केचवान अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया की उत्तरी पहुंच के साथ समान था सत्ताईस मैनिटोबा स्कूल प्रश्न ने क्षेत्र में सांस्कृतिक मूल्यों की गहरी भिन्नता को दिखाए कैथोलिक फ्रेंको मैनेटोबा वासियों को मेनिटोबा के मूल संविधान में राज्य समर्थित अलग स्कूल प्रणाली की गारंटी दी गई थी लेकिन 1888 से 1890 तक अंग्रेजी प्रोटेस्टेंटों के बीच एक जमीनी स्तर के राजनीतिक आंदोलन ने फ्रांसीसी स्कूलों को समाप्त करने की मांग 1890 में मैनिटोबा विधायिका ने फ्रांसीसी कैथोलिक स्कूलों के लिए धन हटाने वाला कानून पारित किए अठाईस फ्रांसीसी कैथोलिक अल्पसंख्यक ने संघीय सरकार से समर्थन मांगा हालांकि ऑरेंज ऑर्डर और अन्य कैथोलिक विरोधी ताकतों ने उनका विरोध करने के लिए देश भर में लामबंद होगा उनतीस संघीय रूरीवादियों ने मैनिटोबा को खत्म करने के लिए सुधारात्मक कानून का प्रस्ताव रखा अट्ठाईस एक में प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद लॉरियर ने एक समझौता लागू किया जिसमें कहा गया कि मैनिटोबा में कैथोलिक दिन के अंत में 30 मिनट के लिए अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं अगर पर्याप्त छात्र हो तो इसे स्कूल स्कूल आधार पर लागू किया जा सकता है अट्ठाईस समकालीन युग शहर की सड़क के बीच में एक बड़ी कंक्रीट इमारत के पास लोगों का बड़ा समूह 21 जून 1919 को विन्निपेग आम हड़ताल के दौरान पुराने सिटी हॉल के बाहर एक तृद्वीय उन्नीस तक विन्निपेग कनाडा का तीसरा सबसे बड़ा शहर था और 1920 के दशक में वैंकूवर से आगे निकलने तक ऐसा ही रहा तीस एक तेजी से बढ़ता शहर यह बीसवीं सदी की शुरुआत में तेजी से विकसित हुआ बाहरी निवेशकों और आप्रवासियों ने इसकी सफलता में योगदान दिए इकतीस दशक के उत्तरार्ध में विकास में गिरावट उन्नीस में पनामा नहर के खुलने का परिणाम थी जिसने व्यापार के लिए अंतर महाद्वीपीय रेलवे पर निर्भरता कम कर दी साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के फैलने के कारण आप्रवासन में भी कमी आ बत्तीस युद्ध के पहले वर्ष में अठारह हजार से अधिक मैनेटोबा निवासियों ने भर्ती कराया युद्ध के अंत तक चौदह वासियों को विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था तैंतीस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नेली मैककलंग ने महिलाओं के वोट के लिए अभियान शुरू किया 28 जनवरी 1916 को महिलाओं के वोट को वैध बनाया गए मैनेटोबा पहला प्रांत था जिसने महिलाओं को प्रांतीय चुनावों में वोट देने की अनुमति दी यह कनाडा द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिए जाने से दो साल पहले की बात है चौंतीस प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद किसानों गेहूं की कीमतों को लेकर और यूनियन सदस्यों मजदूरी दरों को लेकर में गंभीर असंतोष के परिणाम स्वरूप कट्टरपंथ का, का उभार हुआ साथ ही रूस में बोलशेविज्म के उदय को लेकर ध्रुवीकरण भी हुआ पैंतीस सबसे नाटकीय परिणाम 1919 की विनीपेग आम हड़ताल थी यह 15 मई को शुरू हुई और 25 जून 1919 को समाप्त हो गई जैसे ही श्रमिक धीरे धीरे अपनी नौकरियों पर लौट आए केंद्रीय हड़ताल समिति ने आंदोलन को समाप्त करने का फैसला किया छत्तीस रॉयल नॉर्थवेस्ट माउंटेड पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर हमला करने सहित हड़ताल को हिंसक रूप से कुचलने के सरकारी प्रयासों के कारण कई लोग हताहत हुए और एक की मौत हो गई जिसके कारण आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया छत्तीस इसके बाद आठ नेताओं पर मुकदमा चला महामंदी उन्नीस से उन्नीस ने मैनिटोबा सहित पश्चिमी कनाडा को विशेष रूप से प्रभावित किए सूखे के कारण कृषि उत्पादन में भारी गिरावट के साथ विश्व बाज़ार के पतन ने आर्थिक विविधीकरण को जन्म दिया जिससे गेहूं उत्पादन पर निर्भरता कम हो गई अड़तीस मैनिटोबा सहकारी राष्ट्रमंडल संघ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ मैनिटोबा एनडीपी का अग्रदूत उन्नीस में स्थापित किया गया था उनतालीस कनाडा ने उन्नीस में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया विन्निपेग ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एयर ट्रेनिंग प्लान के लिए लड़ाकू पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रमुख कमांडों में से एक था और पूरे मैनेटोबा में हवाई प्रशिक्षण स्कूल थे कई मैनिटोबा आधारित रेजिमेंटों को विदेशों में तैनात किया गया था जिसमें प्रिंसेस पेट्रीसिया की कैनेडियन लाइट इन्फेंट्री भी शामिल थी युद्ध के प्रयास के लिए धन जुटाने के प्रयास में विजय ऋण अभियान ने उन्नीस में इफ डे का आयोजन किया इस कार्यक्रम में मैनेटोबा पर नाजी आक्रमण और कब्जे का अनुकरण किया गया और अंत सी डॉलर पैंसठ मिलियन से अधिक राशि जुटाई गई चालीस रेड रिवर फ्लडवे का हवाई दृश्य 1950 के रेड रिवर फ्लड के दौरान विन्निपेक जलमग्न हो गया था और उसे आंशिक रूप से खाली करना पड़ा था उस वर्ष रेड रिवर 1861 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और रेड रिवर घाटी के अधिकांश हिस्से में बाढ़ आ गई बाढ़ से हुए नुकसान के कारण तत्कालीन प्रीमियर डफ रॉब्लिन ने रेड रिवर फ्लडवे के निर्माण की वकालत की यह छह साल की खुदाई के बाद उन्नीस में पूरा हुआ विन्नीपेक के दक्षिण में आठ शहरों में स्थायी बांध बनाए गए और विन्नीपेग क्षेत्र में मिट्टी के बांध और डायवर्सन बांध बनाए गए उन्नीस में सदी की बार ने मैनिटोबा में सी चार सौ मिलियन से अधिक का नुकसान किया लेकिन फ्लडवे ने विनिपेक को बाढ़ से बचा लिए इकतालीस उन्नीस सौ नब्बे में प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी ने मीच लेक समझौते को पारित करने का प्रयास किया जो कि क्यूबे को कनाडा अधिनियम उन्नीस का समर्थन करने के लिए राजी करने के लिए संवैधानिक संशोधनों की एक श्रृंखला सार्वजनिक परामर्श को दरकिनार करने के लिए विधायिका में सर्वसम्मति से समर्थन की आवश्यकता थी कृ राजनेता एलिजा हार्पर ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि प्रथम राष्ट्रों को समझौते की प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया था और इस तरह समझौता विफल हो गए बयालीस उन्नीस में विन्नीपेग में चुने गए ग्लेन मुरे एक बड़े उत्तरी अमेरिकी शहर के पहले खुले तौर पर समलैंगिक मेयर बने तैंतालीस प्रांत 2009 और 2011 में बड़ी बार से प्रभावित हुआ था चवालीस 2004 में मैनिटोबा सार्वजनिक स्थानों पर इंडोर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कनाडा का पहला प्रांत बन गए पैंतालीस दो में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सुलभता कानून पेश करने वाला मैनिटोबा दूसरा प्रांत था छियालीस भूगोल मुख्य लेख मैनिटोबा का भूगोल यह भी देखें मैनिटोबा में प्रांतीय पार्कों की सूची मैनिटोबा के संरक्षित क्षेत्रों की सूची और मैनिटोबा की झीलों की सूची मैनिटोबा का उभरा हुआ मानचित्र मैनिटोबा की सीमा पूर्व में ओंटारियो प्रांतों और पश्चिम में सस्केचवान उत्तर में नुनावु क्षेत्र और दक्षिण में अमेरिका के उत्तरी डकोटा और मिनेसोटा राज्यों से लगती है मैनिटोबा बे जल निकासी बेसिंग के केंद्र में है जिसमें पानी की एक बड़ी मात्रा विनीपेग झील में और फिर नेल्सन नदी के उत्तर में बे में बहती है इस बेसिन की नदियां पश्चिम में पहाड़ों तक दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका तक और पूर्व में ओंटारियो तक पहुँचती है प्रमुख जलमार्गों में रेड असिनिबोइन नेल्सन विनीपेग हेस व्हाइटशेल और चर्चिल नदियां शामिल हैं मैनिटोबा के अधिकांश बसे हुए दक्षिण का विकास ग्लेशियल झील अगासिज के प्रागैतिहासिक बिस्तर में हुआ है यह क्षेत्र विशेष रूप से रेड रिवर वैली समतल और उपजाऊ है प्रांत में हडसन की खाड़ी की सीमा पर एक खारे पानी का तट है और एक लाख दस हजार से अधिक झीलें हैं। अड़तालीस जो इसके सतह क्षेत्र के लगभग पंद्रह दशमलव छह प्रतिशत या एक लाख एक हजार पांच सौ तिरानवे वर्ग किलोमीटर उनतालीस हजार दो सौ पच्चीस वर्ग मील को कवर करती है उनचास मैनिटोबा की प्रमुख झीलें मैनिटोबा झील विनीपेगोसिस झील और दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विनीपेग झील है पचास लेक विनीपे के पूर्वी किनारे पर कुल उन्तीस हजार वर्ग किलोमीटर वर्ग मील पारंपरिक प्रथम राष्ट्रभूमि और बोरियल वन को आधिकारिक तौर पर २०१८ में पिमाचियोविन अकी के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था इक्यावन बाल्डी माउंटेन प्रांत का सबसे ऊंचा स्थान है जो समुद्र तल से आठ मीटर दो फीट ऊपर है बावन और हडसन बेतत समुद्र तल पर सबसे निचला स्थान है राइडिंग माउंटेन पेम्बिना हिल्स सैंडेलैंड्स प्रांतीय वन और कनाडाई कनाडाईशील भी ऊंचे क्षेत्र है प्रांत के बहुत से कम आबादी वाले उत्तर और पूर्व में अनियमित ग्रेनाइट कनाडाई कनाडाईशील पर स्थित है जिसमें व्हाइटशील अटिकाकी और नोपिमिंग प्रांतीय पार्क शामिल है तिरपन व्यापक कृषि केवल प्रांत के दक्षिणी क्षेत्रों में पाई जाती है हालांकि गाजर घाटी क्षेत्र द पास के पास में अनाज की खेती होती है कनाडा की लगभग ग्यारह प्रतिशत कृषि भूमि मैनिटोबा में है 2021 की जनगणना में मैनिटोबा की जनसंख्या एक तीन सौ बयालीस एक सौ तिरपन थी चौहत्तर जिसमें से आधे से अधिक विनिपेग में है पचहत्तर हालांकि प्रांत का प्रारंभिक उपनिवेशीकरण ज्यादातर होमस्टेडिंग के इर्द गिर्द घूमता था पिछले सदी में शहरीकरण की ओर बदलाव देखा गया है मैनिटोबा एकमात्र कनाडाई प्रांत है जिसकी पचपन प्रतिशत से अधिक आबादी एक ही शहर में रहती है छिहत्तर मैनिटोबा में सबसे बड़ा जातीय समूह अंग्रेज सोलह दशमलव एक परसेंट ए उसके बाद स्कॉटिश चौदह दशमलव परसेंट जर्मन तेरह दशमलव छह परसेंट यूक्रेनी बारह दशमलव छह परसेंट आयरिश ग्यारह दशमलव शून्य परसेंट फ्रेंच नौ दशमलव तीन परसेंट कनाडाई आठ दशमलव चार परसेंट फिलिपिनो सात दशमलव शून्य परसेंट दशमलव आठ परसेंट पोलिश छह दशमलव शून्य परसेंट फर्स्ट नेशंस चार दशमलव परसेंट मेनोनाइट तीन दशमलव नौ परसेंट रूसी तीन दशमलव सात परसेंट डच तीन दशमलव तीन परसेंट भारतीय तीन दशमलव शून्य परसेंट और आइसलैंडिक दो दशमलव चार परसेंट चौहत्तर स्वदेशी लोग मिटिस सहित मैनिटोबा का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जातीय समूह है जो 2001 तक मैनिटोबा की आबादी का तेरह दशमलव छह प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है कुछ रिजर्व ने जनगणना करने वालों को उनकी आबादी की गणना करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था या अन्यथा अधूरी गणना की गई थी सतहत्तर अठहत्तर गिमली मैनिटोबा आइसलैंड के बाहर सबसे बड़े आइसलैंडिक समुदाय का घर है उनासी 2021 की कनाडाई जनगणना के अनुसार प्रांत में 10 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी एक दो सौ अट्ठासी नौ सौ पचास या अठानवे दशमलव छह परसेंट फ्रेंच एक लाख ग्यारह हजार सात सौ नब्बे या आठ दशमलव पाँच पाँच परसेंट तागालोग तिहत्तर हजार चार सौ चालीस या पांच दशमलव छह दो परसेंट पंजाबी बयालीस हजार आठ सौ बीस या तीन दशमलव दो आठ परसेंट जर्मन इकतालीस हजार नौ सौ अस्सी या तीन दशमलव दो एक परसेंट ए हिंदी छब्बीस हजार नौ सौ अस्सी या दो दशमलव शून्य छह परसेंट स्पेनिश तेईस हजार चार सौ पैंतीस या एक दशमलव सात नौ परसेंट मंदारिन सोलह हजार सात सौ पैंसठ या एक दशमलव दो आठ परसेंट क्री सोलह हजार एक सौ या एक दशमलव दो तीन परसेंट बी और प्लॉट डाइट्स पन्द्रह हजार पचपन या एक दशमलव एक परसेंट शामिल है ए चौहत्तर भाषाओं के ज्ञान पर प्रश्न कई प्रतिक्रियाओं की अनुमति देता है अधिकांश मैनेटोबावासी ईसाई संप्रदाय से संबंधित है 2021 की जनगणना के अनुसार चौवन परसेंट ने ईसाई होने की सूचना दी इसके बाद 2.7% परसेंट सिख 2.0 परसेंट मुस्लिम 1.4% परसेंट हिंदू शून्य दशमलव नौ परसेंट यहूदी और शून्य दशमलव आठ परसेंट स्वदेशी आध्यात्मिकता के अनुयायी है चौहत्तर छत्तीस दशमलव सात परसेंट ने कोई धार्मिक संबद्धता नहीं बताई चौहत्तर अनुयायों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े ईसाई संप्रदाय इक्कीस दशमलव दो परसेंट के साथ रोमन कैथोलिक चर्च थे पांच दशमलव आठ परसेंट के साथ यूनाइटेड चर्च ऑफ कनाडा और तीन दशमलव तीन परसेंट के साथ इंग्लिकन चर्च ऑफ कनाडा चौहत्तर अर्थव्यवस्था मुख्य लेख मैनिटोबा की अर्थव्यवस्था यह भी देखें कनाडा की कंपनियों की सूची मैनिटोबा की अर्थव्यवस्था काफी हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है 2008 में इसका सकल घरेलू उत्पाद सी पचास बिलियन था 80 प्रांत की अर्थव्यवस्था 2008 में 2.4 प्रतिशत बड़ी जो लगातार तीसरा साल था इक्यासी 2006 में मैनिटोबा में औसत व्यक्तिगत आय सी पच्चीस एक सौ थी राष्ट्रीय औसत सी छब्बीस सौ की तुलना में जो प्रांतों में पांचवीं सबसे ऊंची रैंकिंग थी बयासी अक्टूबर 2009 तक मैनिटोबा की बेरोजगारी दर 5.8 दशमलव आठ प्रतिशत थी तिरासी मैनिटोबा की अर्थव्यवस्था कृषि पर्यटन बिजली तेल खनन और वानिकी पर बहुत अधिक निर्भर करती है कृषि महत्वपूर्ण है और यह ज्यादातर प्रांत के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है हालांकि अनाज की खेती उत्तर में दपास तक होती है सबसे आम कृषि गतिविधि मवेशी पालन है उसके बाद मिश्रित अनाज और तिलहन है चौरासी मैनिटोबा देश का सबसे बड़ा सूरजमुखी के बीज और सूखी फलियों का उत्पादक है पचासी और आलू के प्रमुख स्रोतों में से एक है पोर्टेज लाप्रेरी एक प्रमुख आलू प्रसंस्करण केंद्र है छियासी रिचर्डसन इंटरनेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी जई मिलों में से एक है कभी नगर पालिका में एक प्लांट है सत्तासी मैनेटोबा के सबसे बड़े नियोक्ता सरकार और सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थान हैं जिनमें क्राउन कॉर्पोरेशन और अस्पताल और विश्वविद्यालय जैसी सेवाएं शामिल हैं निजी क्षेत्र के प्रमुख नियोक्ता द ग्रेट वेस्ट लाइफ एश्योरेंस कंपनी कारगिल लिमिटेड और रिचर्डसन इंटरनेशनल है अट्ठासी मैनिटोबा में बड़े विनिर्माण और पर्यटन क्षेत्र भी है चर्चिल का आर्कटिक वन्यजीव एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है यह शहर ध्रुवीय भालू और बेलुगा व्हेल देखने वालों के लिए एक विश्व राजधानी है नवासी चर्चिल में आर्कटिक गहरे पानी के बंदरगाह वाला मैनिटोबा एकमात्र प्रांत है नब्बे जनवरी 2018 में कैनेडियन फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस ने दावा किया कि मैनिटोबा लाल फीताशाही से निपटने के लिए सबसे बेहतर प्रांत था इक्यानवे आर्थिक इतिहास बैलों द्वारा खींची जा रही लकड़ी की गाड़ियों की एक पंक्ति मैदान के रास्ते से नीचे की ओर जा रही है जलवायु मुख्य लेक मैनिटोबा की जलवायु राइडिंग माउंटेन नेशनल पार्क में डीप लेक मैनिटोबा में चरम महाद्वीपीय जलवायु है तापमान और वर्षा सामान्यत दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है पचपन मैनिटोबा पर्वत श्रृंखलाओं या पानी के बरे निकायों के मध्यम प्रभावों से बहुत दूर है आमतौर पर सपाट परिदृश्य के कारण यह जनवरी और फरवरी के दौरान उत्तर पश्चिम से ठंडे आर्कटिक उच्च दबाव वाले वायु द्रव्यमानों के संपर्क में होता है गर्मियों में कभी कभी दक्षिणी संयुक्त राज्य से हवा के द्रव्यमान निकलते हैं क्योंकि गर्म आर्द्र हवा मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर की ओर खींची जाती है छप्पन प्रत्येक गर्मियों में तापमान कई बार 30 डिग्री सेल्सियस छियासी डिग्री फारनहाइट से अधिक हो जाता है और गर्मी और आर्द्रता का संयोजन ह्यूमिडेक्स मान को 40 के मध्य तक ला सकता है सत्तावन कार्मन मैनेटोबा ने 2007 में तिरपन के साथ कनारा में अब तक का दूसरा सबसे अधिक ह्यूमिडेक्स दर्ज किया अट्ठावन पर्यावरण कनारा के अनुसार मैनिटोबा पूरे वर्ष सबसे साफ आसमान के लिए पहले स्थान पर रहा और गर्मियों में सबसे साफ आसमान के लिए दूसरे स्थान पर रहा और सर्दियों और वसंत में सबसे धूप वाला प्रांत रहा उनसठ दक्षिणी मैनिटोबा विन्नीपेग शहर सहित आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र डीएफपी में आता है यह क्षेत्र सर्दियों में ठंडा और हवादार होता है और खुले परिदृश्य के कारण अक्सर बर्फ़ानी तूफान आते हैं गर्मियां मध्यम लंबाई के साथ गर्म होती है यह क्षेत्र प्रेरी प्रांतों में सबसे अधिक आर्द्र क्षेत्र है जिसमें मध्यम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मैनिटोबा हालांकि दक्षिणी मैनिटोबा के बाकी हिस्सों के समान जलवायु वर्गीकरण के अंतर्गत है लेकिन यह पैलिसर त्रिभुज के अर्धशुष्क आंतरिक भाग के करीब है यह क्षेत्र दक्षिणी मैनिटोबा के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक सूखा और सूखे की चपेट में आने वाला है साठ यह क्षेत्र सर्दियों में ठंडा और हवादार होता है और कनाडाई प्रेरी परिदृश्य के खुलेपन के कारण यहां अक्सर बर्फानी तूफान आते हैं साठ गर्मियां आमतौर पर कम से मध्यम आर्द्रता के साथ गर्म से बहुत गर्म होती है साठ प्रांत के दक्षिणी हिस्से टोर्नेडो एली के ठीक उत्तर में बवंडर का अनुभव करते हैं 2016 में 16 बार इसकी पुष्टि हुई थी 2007 में 22 और 23 जून को कई बवंडर आए सबसे बड़ा एफ पांच बवंडर था जिसने एली के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया कनारा में सबसे शक्तिशाली दर्ज बवंडर इकसर मैनिटोबा के कोपेन जलवायु प्रकार प्रांत के उत्तरी भाग थॉम्पसन शहर सहित उपारकटिक जलवायु क्षेत्र कोपेन जलवायु वर्गीकरण डीएफसी में आते हैं इस क्षेत्र में लंबी और बेहद ठंडी सर्दियां और कम वर्षा के साथ संक्षिप्त गर्म ग्रीष्मकाल होता है बासठ प्रत्येक सर्दियों में कई दिनों तक रात का तापमान माइनस चालीस डिग्री सेल्सियस माइनस चालीस डिग्री फारनहाइट तक कम होता है बासठ समुदाय क्षेत्र जुलाई दैनिक अधिकतम तिरसठ जनवरी दैनिक अधिकतम तिरसठ वार्षिक वर्षा तिरसठ मोर्डन पेम्बिना घाटी 26 डिग्री सेल्सियस उनासी फै सी 14 डिग्री फारनहाइट 541 मिमी 21 इंच विनिपेग विनिपेग 26 डिग्री सेल्सियस उनासी फे 11 सी 12 डिग्री फारनहाइट पांच सौ इक्कीस मिमी इक्कीस इंच पियर्सन वेस्टमैन क्षेत्र सत्ताईस डिग्री सेल्सियस इक्यासी फे डॉट नौ सी सोलह डिग्री फारनहाइट चार सौ सत्तावन मिमी अठारह इंच फ्रांस देश के राजा का सबसे बड़ा लड़का पार्कलैंड पच्चीस डिग्री सेल्सियस सतहत्तर फे डॉट दस सी चौदह डिग्री फारनहाइट चार सौ बयासी मिमी उन्नीस इंच स्टाइनबार्क ईस्टमैन 25 डिग्री सेल्सियस सतहत्तर डॉट ग्यारह सी बारह डिग्री फारनहाइट 581 सौ इक्यासी मिमी तेईस इंच पोर्टेजला प्रेरी मध्य मैदान छब्बीस डिग्री सेल्सियस उनासी फे नौ सी सोलह डिग्री फारेनहाइट पांच सौ बत्तीस मिमी इक्कीस इंच ब्रैंडन वेस्टमैन पच्चीस डिग्री सेल्सियस सतहत्तर डॉट ग्यारह सी बारह डिग्री फारेनहाइट चार सौ चौहत्तर मिमी उन्नीस इंच द पास उत्तरी चौबीस डिग्री सेल्सियस पचहत्तर डिग्री फारेनहाइट चौद सी सात डिग्री फारेनहाइट चार सौ पचास मिमी अठारह इंच थॉम्पसन उत्तरी तेईस डिग्री सेल्सियस तिहत्तर फैडॉट अठारह सी शून्य एफ चार सौ चौहत्तर मिमी उन्नीस इंच चर्चिल उत्तरी 18 डिग्री सेल्सियस चौंसठ डिग्री फारनहाइट 22 सी आठ एफ चार सौ तिरपन मिमी अठारह इंच वनस्पति और जीव सफेद फर और काली आंखों वाला एक भालू उत्तरी मैनिटोबा में ध्रुवीय भालू आम है मैनिटोबा के प्राकृतिक समुदायों को पांच इकोजोन में वर्गीकृत किया जा सकता है बोरियल मैदान प्रेरी टैगाशील्ड बोरियल शील्ड और हडसन मैदान इनमें से तीन टेगा शील्ड, बोरियल शील्ड और हड्सन मैदान कनारा के बोरियल जंगल का हिस्सा है जो प्रांत के पूर्वी दक्षिण पूर्वी और उत्तरी इलाकों को कवर करता है चौंसठ वन प्रांत के भूमि क्षेत्र का लगभग दो लाख तिरसठ हजार वर्ग किलोमीटर एक लाख दो हजार वर्ग मील या अड़तालीस प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं पैंसठ जंगलों में पाइंस जैक पाइन रेड पाइन ईस्टर्न व्हाइट पाइन स्प्रूस व्हाइट स्प्रूस ब्लैक स्प्रूस फर, तामारेक, लार्च पॉपलर ट्रेम्बलिंग एस्पेन बाल्सम पॉपलर बिर्च व्हाइट बिर्च स्वैम्प बिर्च और ईस्टर्न व्हाइट सीडर के छोटे पॉकेट शामिल है छियासठ प्रांत के दो हिस्सों में जंगल का प्रभुत्व नहीं है बे की सीमा से लगा प्रांत का पूर्वोत्तर कोना वृक्ष रेखा से ऊपर है और इसे टुंड्रा माना जाता है कभी दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में लंबी घास के मैदानों का प्रभुत्व था जिसमें रेड रिवर वैली भी शामिल है मिश्रित घास के मैदान दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं कृषि ने प्राकृतिक वनस्पति का अधिकांश भाग बदल दिया है लेकिन पार्कों और संरक्षित क्षेत्रों में अभी भी मैदान पाए जा सकते हैं कुछ लुप्तप्राय पश्चिमी प्रेरी फ्रिंज ऑर्किड की उपस्थिति के लिए उल्लेखनीय है सलसट अलसट मैनिटोबा विशेष रूप से अपने उत्तरी ध्रुवीय भालू की आबादी के लिए जाना जाता है चर्चिल को आमतौर पर ध्रुवीय भालू की राजधानी के रूप में जाना जाता है उनहत्तर प्रांत के उत्तरी तट के पानी में बेलुगा व्हेल सहित कई समुद्री प्रजातियां हैं मूस सफेद पूछ वाले हिरन खच्चर हिरन काले और भूरे भालू कोयोट कॉगर लाल लोमरी कनारा लिंक्स और ग्रे वुल्फ सहित जानवरों की अन्य आबादी पूरे प्रांत में वितरित की जाती है खासकर प्रांतीय और राष्ट्रीय उद्यानों में नार्सिस के पास लाल किनारे वाले गार्टर सांपों की एक बड़ी आबादी है वहां के ओवरविंटरिंग डेन मौसमी रूप से दुनिया के सबसे बड़े सांपों के जमावरे का घर है सत्तर मैनिटोबा की पक्षी विविधता दो प्रमुख प्रवास मार्गों पर इसकी स्थिति से बढ़ जाती है जिसमें तीन सौ बानवे पुष्टि की गई प्रजातियां हैं इनमें से दो सौ सत्तासी प्रांत के भीतर घोंसला बनाती है इकहत्तर इनमें ग्रेट ग्रे उल्लू प्रांत का आधिकारिक पक्षी और लुप्तप्राय पेरेग्रीन बाज शामिल है बेहतर मैनिटोबा की झीलों में खेल मछली की अठारह प्रजातियां पाई जाती है विशेष रूप से ट्राउट पाइक और गोल्डाई की प्रजातियां साथ ही कई छोटी मछलियां भी बड़े अंतर मॉडल टर्मिनल बनाए रखते हैं एक सौ पंद्रह वाया रेल विनिपेग के यूनियन स्टेशन से ट्रांसकॉन्टिनेंटल और उत्तरी मैनिटोबा यात्री सेवा प्रदान करता है कई छोटे क्षेत्रीय और छोटी लाइन रेलवे भी मैनिटोबा के भीतर ट्रेनें चलाते हैं बे रेलवे दक्षिणी मैनिटोबा रेलवे बर्लिंगटन उत्तरी सांताफे मेनिटोबा ग्रेटर विनिपेग वाटर डिस्ट्रिक्ट रेलवे और सेंट्रल मैनिटोबा रेलवे एक सौ पंद्रह विनीपेग जेम्स आर्मेस्ट्रांग रिचर्डसन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैनिटोबा का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कनाडा के कुछ ही 24 घंटे अप्रतिबंधित हवाई अड्डों में से एक है और यह राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रणाली का हिस्सा है 116 सो अक्टूबर 2011 में एक नया बड़ा टर्मिनल खोला गए 117 यह यात्री यातायात के हिसाब से कनाडा का सातवां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है जिसने 2018 में चार चार सौ चौरासी तीन सौ तैंतालीस यात्रियों को सेवा प्रदान की 118 और विमान आवाजाही के हिसाब से 11 व सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है 119 हवाई अड्डा सालाना लगभग एक लाख पंचानवे हजार टन चार सौ तीस शून्य 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 पाउंड कार्गो संभालता है जिससे यह देश का तीसरा सबसे बड़ा कार्गो हवाई अड्डा बन जाता है एक सौ सोलह विनिपेग फेडिक्स और पुरोलेटर दोनों के लिए एक प्रमुख छंटाई सुविधा है और यूपीएस से दैनिक ट्रांसबॉर्डर सेवा प्राप्त करता है 115 सौ चर्चिल बंदरगाह कनाडा में एकमात्र आर्कटिक गहरे पानी का बंदरगाह है यह कनाडा के किसी भी अन्य बंदरगाह की तुलना में उत्तरी यूरोप और रूस के बंदरगाहों के समुद्री रूप से अधिक निकट है नब्बे इसमें अनाज सामान्य माल और टैंकर जहाज़ों की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए चार गहरे समुद्र के घाट है एक बंदरगाह को हटसन बे रेलवे द्वारा सेवा प्रदान की जाती है 2021 में एजीटी फूड एंड इंग्रेडिएंट्स और फेयरफैक्स फाइनेंशियल द्वारा आर्कटिक गेटवे में अपने शेयर वन नॉर्थ को हस्तांतरित करने के बाद बंदरगाह और रेलवे पूरी तरह से समुदाय और स्वदेशी स्वामित्व में आ गए समुदाय और स्वदेशी भागीदारों का एक संघ जिसके पास आर्कटिक गेटवे के अन्य पचास प्रतिशत शेयर्थ एक सौ बीस शिक्षा यह भी देखें मैनिटोबा में उच्च शिक्षा और मैनिटोबा पब्लिक स्कूल अधिनियम पब्लिक स्कूल फ्रेंच या अंग्रेजी में प्रांतीय रूप से अनिवार्य पाठ्यक्रम का पालन करते हैं मैनिटोबा में पैंसठ वित्त पोषित स्वतंत्र स्कूल है जिनमें तीन बोर्डिंग स्कूल शामिल है 121, इन स्कूलों को मैनिटोबन पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए और अन्य प्रांतीय आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए चालीस चार वित्त पोषित स्वतंत्र स्कूल हैं जिन्हें उन मानकों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है एक सौ बाईस मैनिटोबा में पब्लिक स्कूल प्रांतीय शिक्षा प्रणाली के भीतर सैंतीस स्कूल डिवीजनों में से एक के नियमन के अंतर्गत आते हैं मैनिटोबा बैंड संचालित स्कूलों को छोड़कर जो संघीय सरकार द्वारा प्रशासित है एक सौ तेईस 2021 में प्रांतीय सरकार ने एक प्रांतीय शिक्षा प्राधिकरण की देखरेख में सभी अंग्रेजी भाषा के स्कूल डिवीजनों को पंद्रह क्षेत्रीय जलग्रहिण क्षेत्रों में विलय करने की योजना की घोषणा की एक सौ मैनिटोबा में पांच विश्वविद्यालय हैं, जिन्हें उन्नत शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है 125 इनमें से चार विश्वविद्यालय विनिपेग में है मैनिटोबा विश्वविद्यालय जो सबसे बड़ा और सबसे व्यापक है विन्निपेग विश्वविद्यालय एक उदार कला स्कूल जो मुख्य रूप से शहर में स्नातक अध्ययन पर केंद्रित है यूनिवर्सिटी डी सेंट बोनिफेस प्रांत का एकमात्र फ्रेंच भाषा विश्वविद्यालय और कनाडाई मेनोनाइट विश्वविद्यालय एक धार्मिक आधारित संस्था यूनिवर्सिटी डी सेंट बोनिफेस एक में स्थापित और अब मेनिटोबा विश्वविद्यालय से संबद्ध पश्चिमी कनाडा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ब्रांडन विश्वविद्यालय 1899 में और ब्रांडन में बना प्रांत का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विन्नीपेग में नहीं है 126 सौ मैनिटोबा में चौवन सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणालियाँ है इनमें से विन्नीपेग पब्लिक लाइब्रेरी में सबसे बड़ा संग्रह है 2020 तक एक दशमलव एक मिलियन आइटम है एक संस्कृति मुख्य लेख मैनिटोबा की संस्कृति आर्ट्स एक विन्नीपेग में सेंटेनियल कॉन्सर्ट हॉल संस्कृति विरासत पर्यटन और खेल मंत्री मैनिटोबान संस्कृति को बढ़ावा देने और कुछ हद तक पोषण करने के लिए ज़िम्मेदार है एक सौ मैनिटोबा रेड रिवर जिक का जन्मस्थान है जो शुरुआती बसने वालों के बीच लोकप्रिय स्वदेशी पौवौ और यूरोपीय रीलों का संयोजन है एक मैनिटोबा के पारंपरिक संगीत की मेटिस और प्रथम राष्ट्र संस्कृति में मजबूत जड़े हैं विशेष रूप से मेटिस की पुराने समय की फिडलिंग। एक सौ मैनिटोबा का सांस्कृतिक दृश्य शास्त्रीय यूरोपीय परंपराओं को भी शामिल करता है विन्नीपेग स्थित रॉयल विन्निपेग बैले आरड ब्लूबी कनाडा की सबसे पुरानी बैले और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबे समय से लगातार संचालित बैले कंपनी है इसे उन्नीस में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के तहत इसका शाही खिताब दिया गया था एक सौ उन्नीस में स्थापित मैनिटोबा ओपेरा भी सेंटेनियल कॉन्सर्ट हॉल से बाहर प्रदर्शन करता है लेखिका मार्ग्रेट लॉरेंस का नीपावा में घर ले सर्कल मोलियर 1925 में स्थापित कनाडा का सबसे पुराना फ्रेंच भाषा का थिएटर है एक और रॉयल मैनिटोबा थिएटर सेंटर उन्नीस में स्थापित कनाडा का सबसे पुराना अंग्रेजी भाषा का क्षेत्रीय थिएटर है एक सौ चौंतीस मैनिटोबा थिएटर फॉर यंग पीपल कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स फॉर यंग ऑडियंस अवार्ड जीतने वाला पहला अंग्रेजी भाषा का थिएटर था और बच्चों और किशोरों के लिए नाटकों के साथ साथ एक थिएटर स्कूल भी प्रदान करता है एक सौ पैंतीस विनीपेग आर्ट गैलरी वैग मैनीटोबा की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी और देश की छठी सबसे बड़ी गैलरी है जो बच्चों के लिए एक कला स्कूल की मेजबानी करती है वैग के स्थायी संग्रह में बीस हजार से अधिक कार्य शामिल हैं जिसमें मैनिटोबन और कनाडाई कला पर विशेष जोर दिया गया है एक सौ छत्तीस एक सौ सैंतीस उन्नीस सौ साठ के दशक का पॉप ग्रुप गेस हु मैनिटोबा में बना था और बाद में यह संयुक्त राज्य अमेरिका में नंबर एक हिट पाने वाला पहला कनाडाई बैंड बन गया एक सौ अड़तीस गेसहू गिटार वादक रैंडी बैचमैन ने बाद में विनिपे के साथी संगीतकार फ्रेड टर्नर के साथ बैचमैन टर्नर रोवर ड्राइव बीटीओ बनाए एक सौ उनतालीस साथी रॉकर नील यंग मैनिटोबा में पलेबड़े और बाद में बफेलो स्प्रिंगफील्ड और क्रॉसबी स्टिल्स नेश एंड यंग में बजाए गए 140 लोक रॉक बैंड क्रैश टेस्ट डमीज का गठन 1980 के दशक के अंत में विनिपेग में हुआ और यह उन्नीस के जूनो अवार्ड्स ग्रुप ऑफ द ईयर एक 141 कई प्रमुख कनाडाई फिल्मों का निर्माण मैनिटोबा में किया गया था जैसे द स्टोन एंजेल जो इसी शीर्षक वाली मार्गरेट लॉरेंस की किताब पर आधारित है द सैडेस्ट म्यूजिक इन द वर्ल्ड फूडलैंड फॉर इंजेला और माई विन्नीपेग मैनिटोबा में शूट की गई प्रमुख फिल्मों में द असेसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कायर रॉबर्ट फोर्ड और कैपोट शामिल है एक सौ बयालीस जिनमें से दोनों को अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ एक सौ तैंतालीस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित टेलीविजन ड्रामा फॉल्कन बीच को विन्नीपेक बीच मैनिटोबा में फिल्माया गया था मैनिटोबा की एक मजबूत साहित्यिक है बर्तरम ब्रूकर ने 1936 में फिक्शन के लिए पहला गवर्नर जनरल पुरस्कार जीता 145 सौ कॉमिक स्ट्रिप फॉर बेटर और फॉर वर्से की लेखिका कार्टूनिस्ट लिन जॉनसन उन्नीस के पुलित्जर पुरस्कार की फाइनलिस्ट थीं और उन्हें कनाडाई कार्टूनिस्ट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था एक मार्गरेट लॉरेंस की द स्टोन एंजेल और एजेस्ट ऑफ गॉड मनवाका में सेट की गई थी जो नीपावा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक काल्पनिक शहर है बाद वाले शीर्षक ने उन्नीस में गवर्नर जनरल का पुरस्कार जीता एक कैरोल शील्स ने द स्टोन डायरीज के लिए गवर्नर जनरल का पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार दोनों जीते एक सौ अड़तालीस एक सौ उनचास जोन थॉमस को दो बार गवर्नर जनरल के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और 2019 में फाइव वाइफ्स के लिए जीता यह प्रांत में साहित्य में कई प्रमुख हस्तियों का घर भी रहा है जिनमें गवर्नर जनरल पुरस्कार विजेता मिरियम टोव्स गिलर विजेता डेविड बर्गन आर्मिन विबे और कई अन्य शामिल हैं एक सौ पचास बर्डसेल जिनका उपन्यास उनके मिटिस और मेनोनाइट विरासत पर केंद्रित है को तीन बार गवर्नर जनरल के अंग्रेजी भाषा के साहित्य पुरस्कार के लिए और 2001 में स्कोटियाबै गिलर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था एक समारोह यह भी देखें श्रेणी मैनिटोबा में त्यौहार और कनाडा में संगीत त्यौहारों की सूची मैनिटोबा मॉडर्न कॉर्न और एप्पल फेस्टिवल असिनीबोइने पार्क मंडप त्यौहार पूरे प्रांत में होते हैं जिनमें सबसे बड़ा विन्निपेग में केंद्रित होता है विन्नीपेग लोक महोत्सव में प्रतिवर्ष सत्तर हजार से अधिक लोग आते हैं एक सौ बावन फेस्टिवल डुबोयाजुर के फ्रेंच क्वार्टर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक दस दिवसीय कार्यक्रम है और यह पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा शीतकालीन महोत्सव है एक सौ तिरपन यह कनाडा के फर व्यापार के अतीत और फ्रेंचकनाडाई विरासत और संस्कृति का जश्न मनाता है फोक्लोरामा लोक कला परिषद द्वारा संचालित एक बहुसंस्कृतिक महोत्सव है जिसमें हर साल लगभग चार लाख मंडप आते हैं जिनमें से लगभग तीस प्रतिशत गैरविन्यपेग निवासियों के होते हैं एक सौ तिरपन एक सौ चौवन विन्नीपेग फ्रिंज थिएटर महोत्सव एक वार्षिक वैकल्पिक थिएटर महोत्सव है जो उत्तरी अमेरिका में अपनी तरह का दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव है एडमॉन्टन इंटरनेशनल फ्रिंज फेस्टिवल के बाद एक सौ पचपन संग्रहालय मैनिटोबा संग्रहालय प्रांत की विरासत के विभिन्न पहलुओं का दस्तावेजीकरण करते हैं मैनिटोबा संग्रहालय मैनिटोबा का सबसे बड़ा संग्रहालय है और यह प्रागितिहास से लेकर 1920 के दशक तक के मैनिटोबन इतिहास पर केंद्रित है एक सौ छप्पन नॉनसुच की पूर्ण आकार की प्रतिकृति संग्रहालय का प्रदर्शन टुकड़ा है एक सौ सत्तावन द फोर्क्स में मैनिटोबा चिल्ड्रन म्यूजियम बच्चों के लिए प्रदर्शन प्रस्तुत करता है एक सौ अट्ठावन मैनिटोबा के मूल वनस्पतियों और जीवों को समर्पित दो संग्रहालय हैं लिविंग प्रेरी म्यूजियम एक लंबी घास वाला प्रेरी संरक्षित क्षेत्र जिसमें घास और जंगली फूलों की 160 प्रजातियां हैं और हैं और हाइट अलाइव एक पार्क जिसमें प्रेरी झील जंगल और आर्द्र भूमि के आवास शामिल हैं, जो बाइसन के बड़े झुंड का घर है एक सौ उनसठ एक सौ साठ अन्य संग्रहालयों में क्षेत्र में विमानन समुद्री परिवहन और रेलवे का इतिहास दिखाया गया है कनाडाई मानवाधिकार संग्रहालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर पहला कनाडाई राष्ट्रीय संग्रहालय है एक सौ इकसठ मीडिया यह भी देखें विन्नीपेग में मीडिया विन्नीपेग में दो दैनिक समाचार पत्र है विन्नीपेग फ्री प्रेस मैनिटोबा में सबसे अधिक प्रसार संख्या वाला एक ब्रॉडशीट साथ ही विन्नीपेग सन एक छोटा टैब्लॉयड शैली का पेपर कई जातीय साप्ताहिक समाचार पत्र है एक सौ बासठ जिसमें साप्ताहिक फ्रेंच भाषा लिबर्टे और शहर में आधारित क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पत्रिकाएं शामिल हैं। ब्रांडन में दो समाचार पत्र हैं। दैनिक ब्रांडन सन और साप्ताहिक व्ही सिटी जर्ना एक कई छोटे शहरों में स्थानीय समाचार पत्र है एक सौ चौंसठ विन्नीपेग में पांच अंग्रेजी भाषा के टेलीविजन स्टेशन और एक फ्रेंच भाषा का स्टेशन है ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क कैनवेस्ट के स्वामित्व में का मुख्यालय शहर में है एक सौ पैंसठ विन्नीपेग में इक्कीस एएम और एफ एम रेडियो स्टेशन हैं जिनमें से दो फ्रेंच भाषा के स्टेशन हैं एक सौ छियासठ ब्रांडन के पांच स्थानीय रेडियो स्टेशन एस्ट्रल मीडिया और वेस्टमैन कम्युनिकेशंस ग्रुप द्वारा प्रदान किए जाते हैं एक सौ छियासठ ब्रांडन और विन्नीपेग स्टेशनों के अलावा गोल्डन वेस्ट ब्रॉडकास्टिंग कोरस एंटरटेनमेंट और स्थानीय प्रसारकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में रेडियो सेवा प्रदान की जाती है सीबीसी रेडियो पूरे प्रांत में स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित करता है एक नेटिव कम्युनिकेशन स्वदेशी कार्यक्रमों के लिए समर्पित है और कई अलग थलग मूल समुदायों के साथ साथ बड़े शहरों में भी प्रसारण करता है एक सौ अड़सठ विनिपेग जेट्स ने 17 अक्टूबर 2011 को एमटीएस सेंटर में विनिपेग में अपनी पहली नियमित जीत का जश्न मनाया खेल मैनिटोबा में छह पेशेवर खेल टीमें हैं विनिपेग सीबियर कनाडाई एलीट बास्केटबॉल लीग विनिपेग ब्लू बॉम्बर्स कनाडाई फुटबॉल लीग विनिपेग जेट्स नेशनल हॉकी लीग और मैनिटोबा मूस अमेरिकन हॉकी लीग विनिपेग गोल्डीज अमेरिकन एसोसिएशन और वेलोर एफसी कनाडाई प्रीमियर लीग प्रांत पहले विन्नीपेक जेट्स नामक एक अन्य टीम का घर था जो उन्नीस से उन्नीस तक विश्व हॉकी संघ और राष्ट्रीय हॉकी लीग में खेलती थी जब वित्तीय परेशानियों ने टीम को बेचने और एरिजोना ले जाने के लिए प्रेरित किया जहां वे फीनिक्स कोयोत्सबंगा एक सौ उनहत्तर विन्नीपेक जेट्स का दूसरा अवतार तब लौटा जब ट्रू नॉर्थ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट ने अटलांटा थ्रैशर्स को खरीद एक सौ सत्तर मैनिटोबा में एक प्रमुख जूनियर स्तरीय आइस हॉकी टीम है वेस्टर्न हॉकी लीग की ब्रैंडन भीट किंग्स और एक जूनियर फुटबॉल टीम है कैनेडियन जूनियर फुटबॉल लीग की विनिपेग राइफल यह वेस्टर्न महिला कनाडाई फुटबॉल लीग की दो टीमों का भी घर है मैनिटोबा फियरलेस और विनिपेग वुल्फ पै एक सौ इकहत्तर इस बीच मैनिटोबा हर्ड नेशनल रिंगेट लीग में प्रतिस्पर्धा करता है एक सौ बेहत्तर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स में प्रांत का प्रतिनिधित्व मैनिटोबा बिसंस विश्वविद्यालय विन्निपेग वेस्मेन विश्वविद्यालय और ब्रांडन विश्वविद्यालय बॉब कैट्स द्वारा किया जाता है तीनों टीमें कनाडा वेस्ट यूनिवर्सिटी एथलेटिक एसोसिएशन में प्रतिस्पर्धा करती है जो यू स्पोर्ट्स का एक क्षेत्रीय प्रभाग है एक कर्लिंग प्रांत में एक महत्वपूर्ण शीतकालीन खेल है जिसमें मैनिटोबा किसी भी अन्य प्रांत की तुलना में अधिक पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन पैदा करता है जबकि शीर्ष तीन महिला राष्ट्रीय चैंपियन के साथ साथ खेल में कई विश्व चैंपियन भी है प्रांत एमसीए बोन्सपील में दुनिया के सबसे बड़े कर्लिंग टूर्नामेंट की मेजबानी भी करता है एक हालांकि आइस हॉकी और कर्लिंग जितना प्रमुख नहीं है लेकिन लॉन्ग ट्रैक स्पीड स्केटिंग भी मैनिटोबा में एक उल्लेखनीय और शीर्ष शीतकालीन खेल के रूप में शामिल है इस प्रांत ने दुनिया की कुछ बेहतरीन महिला स्पीड स्केटर्स को जन्म दिया है जिनमें सुसान ओच और देश की शीर्ष ओलंपिक पदक विजेता सिंडी क्लासेन और क्लारा ह्यूजे शामिल हैं एक यह भी देखें सरकार और राजनीति यह भी देखें मैनिटोबा की राजनीति मैनिटोबा में ग्रामीण नगरपालिकाओं की सूची और मैनिटोबा में राजशाही शास्त्रीय शैली के स्तंभों और हरे गुम्बद वाली एक बड़ी कंक्रीट की इमारत जिसके ऊपर एक सुनहरी मूर्ति स्थापित है मैनिटोबा विधान भवन मैनिटोबा विधानसभा का बैठक स्थल एक में रूपर्ट्स लैंड का नियंत्रण ग्रेट ब्रिटेन से कनाडा सरकार को दिए जाने के बाद मैनिटोबा ने रूपर्ट्स लैंड से बने पहले कनाडाई प्रांत के रूप में स्वशासन के पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारियां प्राप्त की अट्ठानवे मैनिटोबा की विधानसभा की स्थापना 14 जुलाई 1870 को हुई थी राजनीतिक दल पहली बार एक और एक के बीच दोपक्षीय प्रणाली उदारवादी और रूढ़िवादी के साथ उभर निन्यानवे यूनाइटेड फार्मर्स ऑफ मैनिटोबा उन्नीस में सामने आए और बाद में उन्नीस में उदारवादियों के साथ विलय हो गए निन्यानवे सहकारी राष्ट्रमंडल संघ सीसीएफ सहित अन्य पार्टियां महामंदी के दौरान सामने आईं उन्नीस के दशक में मैनिटोबन की राजनीति एक त्रिपक्षीय प्रणाली बन गई निन्यानवे सीसीएफ मैनिटोबा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी बन गई जो उन्नीस में सत्ता में आ निन्यानवे तब से प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव और एनडीपी प्रमुख पार्टियां रही है निन्यानवे सभी कनाडाई प्रांतों की तरह मैनिटोबा एक सदनीय विधानसभा द्वारा शासित है एक सौ कार्यकारी शाखा का गठन गवर्निंग पार्टी द्वारा किया जाता है पार्टी का नेता मैनिटोबा का प्रीमियर होता है जो कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है राज्य के प्रमुख राजा चार्ल्स थ्री का प्रतिनिधित्व मैनेटोबा के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा किया जाता है जिन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर कनाडा के गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है 101 राज्य के प्रमुख की मुख्य रूप से एक औपचारिक भूमिका होती है हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास यह सुनिश्चित करने की आधिकारिक जिम्मेदारी होती है कि मैनेटोबा में एक विधिवत गठित सरकार एक विधानसभा में सत्तावन सदस्य होते हैं जो मैनिटोबा के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते हैं एक सौ दो मैनिटोबा के प्रीमियर वेब किनेव है जिन्हें दो हज़ार तेईस के प्रांतीय चुनाव में चुना गया था एक सौ तीन प्रांत का प्रतिनिधित्व संघीय राजनीति में चौदह संसद सदस्यों और छह सीनेटरों द्वारा किया जाता है एक सौ चार एक सौ मैनिटोबा की न्यायपालिका में अपील न्यायालय किंग्स बेंच न्यायालय और प्रांतीय न्यायालय शामिल है प्रांतीय न्यायालय मुख्य रूप से आपराधिक कानून के लिए है मैनिटोबा में पचानवे प्रतिशत आपराधिक मामलों की सुनवाई यही होती है एक सौ किंग्स बेंच न्यायालय प्रांत का सर्वोच्च परीक्षण न्यायालय है इसके चार क्षेत्राधिकार है पारिवारिक कानून बाल और पारिवारिक सेवा मामले सिविल कानून आपराधिक कानून अपराधों के लिए और अपी अपील न्यायालय दोनों पीठों से अपील सुनता है इसके निर्णयों के विरुद्ध केवल कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है 107 सौ आधिकारिक भाषाएं अधिक जानकारी कनाडा में द्विभाषिकता और मैनिटोबा अधिनियम मैनिटोबा अधिनियम एक कनाडा के संविधान का हिस्सा की धारा तेईस के अनुसार अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों मैनिटोबा की विधायिका और अदालतों की आधिकारिक भाषाएं हैं 108, 109 अप्रैल अठारह में मैनिटोबा विधायिका ने फ्रेंच की आधिकारिक स्थिति को समाप्त करने का प्रयास किया और द्विभाषी कानून प्रकाशित करना बंद कर दिए हालांकि उन्नीस में कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने मैनिटोबा भाषा अधिकारों के संदर्भ में फैसला सुनाया कि धारा तेईस अभी भी लागू है और केवल अंग्रेजी में प्रकाशित कानून अमान्य है अनुवाद के लिए समय देने के लिए एक भाषी कानून को अस्थायी अवधि के लिए वैध घोषित किया गया था एक हालाँकि फ़्रेंच विधानमंडल कानून और अदालतों के उद्देश्यों के लिए एक आधिकारिक भाषा है लेकिन मैनेटोबा अधिनियम के अनुसार कार्यकारी शाखा के उद्देश्य के लिए इसे आधिकारिक भाषा होना आवश्यक नहीं है सिवाय विधायी या न्यायिक कार्यों को निष्पादित करते समय एक इसलिए मैनेटोबा की सरकार पूरी तरह से द्विभाषी नहीं है उन्नीस की मैनिटोबा फ्रेंच भाषा सेवा नीति का उद्देश्य दोनों आधिकारिक भाषाओं में प्रांतीय सरकारी सेवाओं का एक तुलनीय स्तर प्रदान करना है 112 सौ की जनगणना के अनुसार मैनिटोबा की बयासी प्रतिशत आबादी केवल अंग्रेजी बोलती थी 3.2% प्रतिशत केवल फ्रेंच बोलती थी 15.1% प्रतिशत दोनों बोलती थी और शून्य दोनों में से कोई भी नहीं बोलती एक सौ तेरह 2010 में मैनिटोबा की प्रांतीय सरकार ने आदिवासी भाषा मान्यता अधिनियम पारित किया जो सात स्वदेशी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता देता है क्री डकोटा डेने इनुक्टिटुट मिचिफ ओजीब्वे और ओजीक्री। एक सौ चौदह परिवहन यह भी देखें कनाडा में पुलों की सूची और मैनिटोबा प्रांतीय राजमार्गों की सूची बड़े सजावटी मेहराबदार प्रवेश द्वार के साथ बड़ी ग्रे पत्थर की इमारत विन्नीपेग में यूनियन स्टेशन मैनिटोबा में दो क्लास आई रेलवे है कैनेडियन नेशनल रेलवे सीएन और कैनेडियन पैसिफिक रेलवे सीपीआर विन्नीपेग दोनों वाहकों की मुख्य लाइनों पर केंद्रीय रूप से स्थित है और दोनों शहर में